धान की फसल की जब हम रोपाई करते हैं तो उसमें भी जो हम उर्वरक देते हैं उसमें भी फास्फेट होती है। 10 से 12 दिन के बाद जब हम 1919-1919 का स्प्रे करते हैं उसमें भी फास्फेट होती है। 20 से 25 दिन के टाइम पर अगर हम 1919 का स्प्रे करते हैं या 1261 का या 1744 का स्प्रे करते हैं तो इन सब में जो है फास्फेट होती है। और ऐसे टाइम पर अगर हम जिंक को नहीं डालते हैं तो कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं जिंक की कमी से धान में खैरा रोग लगने लगता है और जिसके कारण धान प्रभावित होता है। तो बनती है दोस्तों बात ये कि हम आखिर जिंक डालें तो डालें कब और खैरा रोग हमारे खेत में ना लगें तो उसके पहले हम किस टाइम पर जिंक डाल सकते हैं। दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी हम जानकारी इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो पहले दोस्तों आपको समझना होगा, जब हम DAP डालते हैं तो DAP में नाइट्रोजन और जो फास्फेट होती है वो डाई अमोनियम फास्फेट होती है। अगर हम इसके साथ में जिंक मिला देते हैं तो जिंक जो है जिंक सल्फेट ना रह करके जिंक फास्फेट में बदल जाती है। अगर जिंक फास्फेट में बदल जाती है तो हमें उसको देने और ना देने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि फास्फेट में जब जिंक बदल जाती है तो ऐसी अवस्था में चली जाती है जिसको पौधे ले ही नहीं पाते हैं, यानी जड़ों के माध्यम से नहीं वो ले पाएंगे, जिससे मिट्टी में हमारे जिंक पड़ी रहती है और हमारे पौधों के काम आती नहीं है। तो आखिर हमें जब DAP डाल रहे हैं तब तो हमें बिल्कुल डालना ही नहीं, तो हमें डालना कब है? तो दोस्तों आप जो शुरुआत में जब रोपाई करते हैं तो रोपाई के टाइम पर आपको DAP धान में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप DAP डालते हैं तो जिंक जैसे पोषक तत्व को आप साथ में नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा जो NPK आती है, बहुत सी NPK मार्केट में इस तरह की आती हैं जो लिक्विड वाली, उसमें जो है जिंक साथ में चिलेटेड मिली रहती है। और कुछ ऐसी NPK मार्केट में उपलब्ध हैं, शायद इंडिया में नहीं उपलब्ध हैं लेकिन बाहर उपलब्ध हैं, और कुछ प्रोडक्ट इंडिया में भी आपको मिल जाएंगे जिसमें NPK के साथ में जिंक मिक्स रहती है। बाकी आपने यदि देखा होगा सिंगल सुपर फास्फेट, तो सिंगल सुपर फास्फेट सादी भी आती है और बहुत से कंपनियां जिंक के साथ में भी सिंगल सुपर फास्फेट मिला कर देती हैं, तो उसमें तो पूरा पूरा फास्फेट होता है, फिर उसके साथ जिंक कैसे मिला दिया जाता है? अगर जिंक मिला दिया जाए तो जिंक फास्फेट में बदल जाएगा, तब तो वो काम नहीं करेगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि अगर आप क्या करते हैं कि अगर आप DAP के साथ में जिंक को डालते हैं तो जिंक फास्फेट में बदल जाती है, लेकिन यदि आप NPK के साथ में जिंक को डालेंगे तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 से 4% ही फास्फेट में बदलेगी, बाकी जो तुम्हारी 97% जिंक बची रहती है वो आपके पौधे को मिल जाएगी, क्योंकि वो फास्फेट में कन्वर्ट नहीं होगी, यानी जिंक फास्फेट में नहीं बदलती। इसी प्रकार से जो हम सिंगल सुपर फास्फेट लेते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट में इसीलिए कंपनियां जिंक मिला देती हैं, क्योंकि उसमें 2 से 3% ही जिंक फास्फेट में बदलती है, बाकी आपकी जिंक जो इस तरह की है उसी रूप में रहती है, यानी वो कन्वर्ट नहीं होती फास्फेट में, इसलिए सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में कंपनियां जिंक मिलाकर दे देती हैं। तो अगर हम जिंक को धान में डालने की बात करें तो जब आप रोपाई कर रहे हो तो रोपाई में आपको DAP बिल्कुल नहीं डालना है, आप सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हैं या NPK डाल सकते हैं। देखिए NPK डालेंगे तो NPK के साथ में आप जिंक मिला सकते हैं, और जब आप NPK डालेंगे तो NPK में होता क्या है कि जल्दी ये पानी में इतनी जल्दी नहीं घुलती है जितनी जल्दी कि DAP घुल जाती है, और इतनी देर से भी नहीं घुलती है जितनी देर में सिंगल सुपर फास्फेट घुलती है। तो इसलिए जब पौधों को जड़ों के विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता है तो उस टाइम पर पौधों को आसानी से NPK पौधे तक मिल जाती है, जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और जिंक जैसे हम साथ में डालते हैं तो वो सभी पोषक तत्व पौधे तक आसानी से पहुंच जाते हैं। इसलिए सबसे बेटर रहेगा कि NPK ले लीजिए और आपको जिंक ले लेना है। NPK की जो मात्रा लेनी है दोस्तों वो आपको वैरायटी के हिसाब से और किस्मों के हिसाब से, सुगंधित है, हाइब्रिड है, देसी है, उसके हिसाब से आपको अलग अलग रखनी पड़ती। तो उसके लिए दोस्तों ऑलरेडी मैंने STR खेती ऑफिशियल चैनल पर पूरी जानकारी दे दी है, वो वीडियो आप जा करके देखिएगा, पूरी डिटेल वहां से मिल जाएगी। तो आप बुआई के टाइम पर उसके साथ में 5 से 6 किलोग्राम जिंक जो 33% वाली मोनो आती है उसको भी मिला सकते हैं, या आप 21% वाली जिंक सल्फेट मिलाना चाहते हैं तो 8 से 9-10 किलो तक आप साथ में मिला करके डाल सकते हैं। अगर आप इसके साथ नहीं डाल पा रहे हैं या किसी कारण से आप नहीं डाल पाते हैं, तब आप 10 दिन के बाद में जब 1919-1919 का स्प्रे कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप जिंक मिलाकर डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि उस टाइम पर आपको 33% वाली और 21% वाली जिंक मिलाकर नहीं डालना है। इस टाइम पर जब जो जिंक आपको डालना है वो चिलेटेड डालना है, क्योंकि चिलेटेड या डालेंगे तो ये, क्योंकि ये सभी की सभी घुलनशील अवस्था में होंगी
और यदि चिलेटेड डालेंगे तो वो जिंक फास्फेट में नहीं बदलेगी, लेकिन अगर आप 33% और 21% वाली जिंक डाल देते हो तो वो जिंक फास्फेट में बदल जाएगी, जिससे उसका फायदा आपके पौधे को नहीं मिलेगा और दोनों उर्वरकें बेकार में चली जाएंगी। तो इसलिए आप जब स्प्रे करना चाहते हैं तो चाहे 12:61 ले रहे हो, 17:44 ले रहे हो, या 19:19 ले रहे हो, इसके साथ आप चिलेटेड जिंक जो 12% वाली आती है इसकी 100 ग्राम मात्रा मिला करके आप डाल सकते हैं। 30 दिन के ऊपर जब आप बाद में स्प्रे करना चाहें तो आप 200 ग्राम मात्रा भी लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। बाकी अच्छे रिजल्ट के लिए दोस्तों आप बुआई के टाइम ही डालें, जिससे शुरुआत से ही पौधे को जिंक मिलना चालू हो जाएगी और जिंक की कमी पौधे में नहीं आएगी, जिससे खैरा रोग आपके फसल में नहीं लगेगा और आपकी फसल शुरुआत से ही अच्छी ग्रोथ और विकास लेकर के चलेगी, जिससे आपको पैदावार भी अच्छी मिलेगी और टेलरिंग भी अच्छी रहेगी और पौधा अपना भोजन भी आसानी से बना पाएगा, क्योंकि जिंक से और भी फायदे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप जिंक के टोटल फायदे जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, हम जिंक के क्या क्या फायदे फसल को मिलते हैं पूरी डिटेल से जानकारी दोस्तों आपको बना कर देंगे। लास्ट में दोस्तों यही कहेंगे, जब आप जिंक डाल रहे हों तो आपको जो है सल्फ़र ज़रूर डाल देना चाहिए, क्योंकि सल्फ़र भी काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके खेत में जो फफूंद लगा हो तभी आप सल्फ़र डालें, सल्फ़र जो है पौधे को हरापन यानी क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे पौधे भोजन अच्छी तरीके से बना पाते हैं, जिससे पौधे का ग्रोथ और विकास भी बेहतर ढंग से होता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है आपके काम की है तो दोस्तों वीडियो को अंत में लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना, दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर